नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर हैं, उन्हें वहां पर काले झंडे दिखाए गए। बनासकांठा में राहुल गांधी जब पहुंचे तो उनकी कार पर हमला किया गया, पत्थर फेंका गया, बड़ा सा पत्थर था, शीशा टूट गया। इन दो चीजों से ये बात तो साफ है कि राहुल गांधी का गुजरात का ये दौरा कांग्रेस को क्या फायदा पहुंचा पाएगा। तो बनासकांठा में विरोधियों ने राहुल पर पत्थर फेंके हैं। आज जो कुछ भी हुआ उससे दो बातें साफ हैं। पहली ये कि गुजरात का चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद टफ रहने वाला है, और दूसरी बात ये कि बीजेपी के गढ़ में सेंध कोई आसान नहीं होने वाली। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि बाढ़ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या ऐसी राजनीति ठीक है, सही है? भैया आने दो, आने दो भैया, ये काले झंडे यहां लगाने दो सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराए हुए हैं ये लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी तस्वीरों की उम्मीद तो राहुल गांधी को कतई नहीं रही होगी। बाढ़ पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने गुजरात गए थे, लेकिन मानसूनी हवाओं के बीच विरोध की बयार बहने लगी तो कांग्रेस उपाध्यक्ष खींच और हताशा से भर गए। अपने संक्षिप्त संबोधन में उन्होंने खुद को गुजरात का शुभचिंतक बताया और साथ ही सत्ता हाथ में न होने की मजबूरी भी बताई। जिन घरों में लोगों की मृत्यु हुई उनसे मैं मिलना चाहता था, गले मिलना चाहता था और उनको कहना चाहता था कि हम आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। देखिए, हमारी सरकार नहीं है, ना दिल्ली में सरकार है ना गुजरात में, मगर हमारे कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। मैं आपके साथ यहाँ खड़ा हूँ और दो तीन काले झंडों से हम पीछे हटने वाले नहीं है। गुजरात में साल के अंत में चुनाव होना है और आज के दौर में राहुल गांधी को आने वाली चुनौतियों का ट्रेलर दिख गया होगा। बनासकांठा में राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए और उनकी कार के शीशों को पत्थरों से चकनाचूर कर दिया गया, यानी कि गुजरात की चुनावी जमीन कितनी सख्त साबित होने वाली है इसका एहसास राहुल गांधी को हो गया होगा। यहाँ पे राहुल गांधी बैठे हुए थे उस वक्त, हालांकि जो पत्थर आया वो इसी साइड से पत्थर आया था, लेकिन गाड़ी स्पीड में होने की वजह से जो पत्थर था वो पीछे के कांच पे लगा। हालांकि वो सीधा हमला राहुल गांधी पे करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी को पत्थर नहीं लगा क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी, एसपीजी का कॉन्वे था, कॉन्वे में गाड़ी चल रही थी, उसकी वजह से राहुल गांधी बच गए। राहुल गांधी बाढ़ पीड़ित राज्यों के दौरे पर हैं, असम राजस्थान के बाद राहुल गुजरात आए थे, लेकिन सवाल है कब। जब प्रधानमंत्री के लगातार दौरे हो गए, जब मानसूनी मुसीबत की मार सुस्त पड़ गई, लोग बाढ़ की तबाही से उबरने लगे, राहुल गांधी ने एक बार फिर देरी कर दी, वो भी तब जबकि उनकी पार्टी के तमाम विधायक तोड़फोड़ के खतरों की वजह से गुजरात से बाहर कर्नाटक में कैद थे। लेकिन सवाल ये भी है कि राहुल गांधी पर पत्थर फेंकने वाले किस किस्म की राजनीति कर रहे हैं। हजारों लोग एक डिस्ट्रिक्ट में बेघर हुए हैं, उसी प्रदेश के प्रधानमंत्री वहां पर स्टॉप ओवर विजिट में भी नहीं गए, और जब कोई राजनीतिक पार्टी का, प्रतिद्वंदी पार्टी का हो, अगर वहां जाने की जरूरत करता है तो इस देश की संस्कृति और संस्कार ये नहीं है कि हम उस पे सीमेंट ब्रिज के साथ आक्रमण करें। राहुल के काफिले पर पथराव कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव की तलखी बता रही है, लेकिन ये तो राहुल गांधी भी मानेंगे कि असली मुश्किल उनके और उनकी पार्टी के सामने है। शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस से जा चुके हैं, मोदी अमित शाह की जोड़ी की चमक कायम है, तो खुद राहुल गांधी अभी भी पहली बड़ी कामयाबी की प्रतीक्षा में है। बनासकांठा से गोपी गागर के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, और हमारे साथ राजनीतिक दलों के नेता भी हैं। हम बीजेपी से डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह और इंडिया टुडे के डेप्यूटी एडिटर उदय माहुरकर के साथ साथ हमारी संवाददाता गोपी घांगर भी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, सीधा सा सवाल सबसे पहले आपसे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है कि बीजेपी के गुंडों ने यह हमला किया बिना किसी साक्ष्य के? अब
अखिलेश जी सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है हमारी आपको? नहीं, अब आपकी आवाज आई, प्लीज दोबारा रिपीट कर दें। अखिलेश जी, राहुल गांधी की कार पर पत्थर फेंका गया, शीशा टूटा, उन्हें चोट नहीं आई, ये राहत और संतोष की बात, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं, कांग्रेस की तरफ से बयान आ गया कि बीजेपी के गुंडों ने यह हमला किया, क्यों? अरे और कौन हमला करेगा, काले झंडे दिखा रहे हैं, उन्हीं की ये सब करतूतें बीजेपी के ही लोग करते हैं। सुरक्षा मुहैया कराना वहाँ के प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है, एसपी जी प्रोटेक्टी हैं, अगर कोई सिक्योरिटी में लैप्स है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी जिम्मेदारी प्रदेश और देश की सरकार की होती है, खासतौर से जिस प्रदेश में गए हैं उसकी होती है, और ये साफ साफ दिख रहा है। आपके स्टोरी में दो तीन बार ऐसी कही गई, हम आप लोगों की मजबूरी समझ सकते हैं, दो तीन बार ऐसा कहा गया कि इससे दिखता है कि कितना सख्त होने वाला है चुनाव। आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी विधायक छुट्टी पे, राहुल गांधी दौरे पे, तो फिर ये इसका मतलब यही होगा आपके कहने का मतलब कि छुट्टी पे तो भेज दिया विधायकों को, आप आओगे तो आपको भी हम इसी तरह पत्थर मारेंगे। अखिलेश जी कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे बनासकांठ, ठीक है बोल लीजिए आप, प्लीज पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए बीजेपी की यही स्टाइल है, पूरे देश में बीजेपी विपक्ष के या जो और भी अपनी विचारधारा से विरक्त लोग हैं उनको हर स्तर पे जो जिस लायक है उस स्तर से उसे दबाने का प्रयास कर रहा है, शीर्ष से लेकर नख तक। इन पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर और काले झंडे से ज़्यादा नहीं है, तो इन्होंने अपना कृत्य किया। जो शीर्ष पे बैठा है वो जिसके उसके पास जो कुछ करने की ताकत क्षमता है वो कर रहा है, जो थोड़ा उसे नीचे जो बैठा है वो कर रहा है। कहीं पे भी मर्यादा, लोकतंत्र एक आचरण जो लोकतांत्रिक आचरण होता है उसका ह्रास हो चुका है वर्तमान समय में बीजेपी की हुकूमत में। इसके समय में परेशान है बीजेपी, एकदम घबराई हुई है बीजेपी, लेकिन हम लोग नहीं घबराने वाले, हम लोग 60 साल अंग्रेजों से लड़े हैं, हम लोगों के यहाँ पूरा इतिहास है लड़ते लड़ते, और कभी उम्मीद नहीं थी कि कब हम आज़ाद होंगे, उनको लड़के छोड़ाया, ये लोग तो तब उनके साथी थे, हम नहीं घबराने वाले, डरने वाले या आपसे विचलित होने वाले, जनता के बीच में जाएंगे, उनके सुख दुख में खड़े होंगे, आप हवाई जहाज से सर्वे करते रहिए, हम उनके बीच में जाके उनकी बात करेंगे, उनका दुख बांटेंगे, आप अगर नहीं कुछ कर रहे हैं तो हमसे जितना विपक्ष के नेता के नाते जो कुछ बन पड़ेगा सड़क से लेकर सदन तक संसद तक हम आपकी जनता की लड़ाई लड़ेंगे और उसके हित की बात हमेशा करते रहेंगे, और आपको चेताते रहेंगे सत्ता में बैठे आप लोग कि आपका ये धर्म और कर्तव्य है कि आप जनता के लिए ही चुन के आए हैं, सरकार इसीलिए है, ये नहीं कोई कह रहा है, कोई बीजेपी के नेता, मैं एक जगह फ़ोन पे था, वो कह रहे हम गंभीरता से लेते नहीं हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि हमने मुख्यमंत्री से कहा है, मुख्यमंत्री से बात कर लिया है। अखिलेश जी हमें लगता है कि काफी वक्त हो गया है और आप अपनी बात रख भी चुके हैं, संबित जी को भी मौका दे देते हैं, आगे आपसे और चर्चा करेंगे, जो बात आप कहना चाहते थे कहिए। संबित जी, एसपीजी प्रोडक्टिव हैं राहुल गांधी, काफिला बड़ा था, सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी की भी थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सुरक्षा में सेंध है? और साथ ही साथ संबित जी, अगर कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के हुंडों ने ये करवाया, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कांग्रेस क्यों कह रही है, क्यों आप पर आरोप लगा रही है? देखिए सहेज जी, पहले तो मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कहना चाहूंगा, जिस प्रकार का माहौल अभी गुजरात में है, फ्लड से लोग जूझ रहे हैं, वैसे में मैं अखिलेश जी और तमाम जो राजनीतिक लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही निकृष्ट राजनीति है। कांग्रेस पार्टी से मैं निवेदन करूंगा कि लोगों के आक्रोश को समझे, लोगों के परेशानी को समझे, और हर विषय को एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने का, और उसमें से जो अंग्रेजी में कहते हैं मिल्किंग आउट ऑफ अ सिचुएशन, हर विषय में से कुछ वोट पाने की चेष्टा कृपया करके नहीं करें। मैं अभी टीवी में जो आप रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें मैं राहुल जी को सुन रहा था, राहुल जी कह रहे थे, मैंने लिख रखा है, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग घबराए हुए हैं, उनको घबराने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जनता है, अगर जनता नारेबाजी कर रही है, आप उनको ऐसे मत कहिए कि ये घबराए हुए हैं तो हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, रे इन्हीं से तो वोट मांगने गए हैं, यही इन्हीं को तो आप सहानुभूति दिखाने गए हैं। दूसरी बात, राहुल जी कहते हैं जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें मैं गले से मिलाना चाहता था, गले से लगाना चाहता था और कहना चाहता था कि हम उनके साथ खड़े हैं।
राहुल जी अगर आज तक अभी देख रहे हैं तो मैं राहुल जी से डायरेक्टली पूछना चाहता हूं, राहुल जी आप कैसे खड़े हैं जनता के साथ? जनता तो विधायक को चुनती है, विधायक वो पहला कड़ी होता है जिसके माध्यम से आप जनता के साथ खड़े हो सकते हैं। आपके विधायक तो कई हफ्तों से नदारद हैं, वो जाके बेंगलुरु के किसी रिसोर्ट में व्यंजन खा रहे हैं, वहां स्विमिंग कर रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, वहां आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और यहां पर आप बोल रहे हैं कि जो मृतक जन हैं उनके घर वालों से आप गले लगना चाहते हैं। इस प्रकार की राजनीति कब तक राहुल जी आप करना चाहते हैं, जहां केवल फोटो अपॉर्चुनिटी है, जहां आपके लोग गायब हैं और आप केवल गले लगा के शाम की फ्लाइट से वापस आ जाएंगे? और याद करिए पिछले महीने वो मध्य प्रदेश गए थे, इसी प्रकार बोल रहे थे मैं सबको गले लगाना चाहता हूं, शाम तक गले लगा रहे थे, सुबह वो इटली चले गए थे छुट्टी मनाने के लिए। ऐसे गले लगाया जाता है राजनीति में? अरे मेहनत करनी होती है, निरंतर मेहनत करनी होती है, आपको गले लगाना है तो निरंतर गले लगाना होता है। और देश की जनता अब ये समझ चुकी है कि राहुल गांधी से ना हो पाएगा, इसलिए राहुल जी को ना केवल देश की जनता ने, मुझे बड़े मतलब मैं सटीक कह रहा हूं, कांग्रेस के जो लीडर्स भी है गुजरात में, उन्होंने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन राहुल गांधी के खिलाफ पारित कर दिया है। इसीलिए तो अपने ही राज्य कर्नाटक में उनको बंधक बना के रखा है, यहां से ले गए थे, कम से कम वहां तो खुला छोड़ देते, वहां बंधक बना के क्यों रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि वहां भी उनको भरोसा है कि ये राहुल गांधी के हाथ नहीं आने वाले हैं, उनको डरा धमका कर पैसा देकर वहां भी बंधक बनाया है। सभी जी ये तो आप मानेंगे कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, अन्य किसी दल का कोई नेता हो, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, निंदनीय है, ये एक आदर्श स्थिति नहीं है और ये एक अजीब तरह की राजनीति को जन्म देती है ऐसी घटना, ये तो आप मानेंगे? सैयद भाई इसमें कोई दो मत नहीं है, मैंने तो आरंभ में ही कहा, आप देखिए आपके स्क्रीन में फ्लड की सिचुएशन को हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस प्लेन में बैठ के फ्लड को देखने गए थे वहां उनका कमर तक सीधा नहीं हो पा रहा था, जैसी सीटिंग अरेंजमेंट थी वो उसी में आधे खड़े आधे बैठे में जाके उन्होंने हवाई गश्त भी ली और वहां पूरा व्यवस्था देख के आए। ऐसी व्यवस्था में हम अगर यहां पर राजनीति करना शुरू करें, हम पत्थर और हमले की बात कर रहे हैं, अभी आप ही की रिपोर्ट बता रही थी संबित जी, हम पत्थर और हमले, मैं उसी पे बोल रहा हूं अभी, हाँ मैं उसी पे बोलता हूं, अभी मैं आप ही की रिपोर्ट को देख रहा था, आपके रिपोर्टर ने भी कहा कि देखिए जो पत्थर फेंका गया एसपीजी प्रोटेक्टी थे, इसलिए एसपीजी ने और पुलिस ने प्रोटेक्ट किया ताकि राहुल जी को ना लगे, बिल्कुल सही बात है, प्रोटेक्शन राहुल जी हो या अखिलेश जी हो या सैयद भाई कोई भी व्यक्ति हो, अरे किसी को कोई हानि नहीं होना चाहिए। और मैं हाथ जोड़कर सैयद भाई आपसे पूछता हूं, राहुल सुन लीजिए प्लीज मत हंसी अखिलेश जी, राहुल जी आज पहली बार गुजरात या बहुत हो गया इनका इनका जो है ज्ञान तमाम राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश में, कम बोलो उतना अभी हाल फिलहाल में अभी अभी उत्तर प्रदेश में भी गए, मध्य प्रदेश में भी गए, हमने पत्थर मारा, आप बताइए सहेश जी हमने कहीं पत्थर मारा राहुल गांधी को? ठीक है संबित जी, ठीक है संबित जी, हमने राहुल गांधी को, वो देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आप ये बीजेपी लोगों को गुंडे मत बोलिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप लोगों को गुंडे मवाद मत बोलिए, संबित जी आक्रोशित है लोग, हाँ नहीं होना चाहिए, संबित जी दो लोगों को गुंडे मत कहिए। संबित जी दो मेहमान हमारे साथ और, उदय माहुरकर जी भी हमारे साथ हैं और गोपी आपके पास आए, हाँ आ रहे हैं अखिलेश जी, एक सेकंड जरा उदय सर का रिएक्शन ले लेते हैं। उदय सर ये क्या आप देखते हैं, ये किस तरह की राजनीति है, पत्थर फेंका जाना वो भी इतने संवेदनशील मामले में, बाढ़ से 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ऐसे में कोई भी नेता अगर दौरा करता है, वो राहुल गांधी हो, बीजेपी का नेता हो, लेफ्ट का हो, किसी अन्य दल का हो, क्षेत्रीय दल का अगर वो नेता हो, जाता है और उस पर इस तरह से हमला होता है, या अगर ये हमला हुआ तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि इसके पीछे है क्या? उदय जी हमें हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? गोपी हमें सुन पा रही हैं आप? गोपी जी बिल्कुल सही, गोपी क्या हुआ था जरा बता दीजिए, संबित जी अखिलेश जी भी हमारे साथ हैं, कैसे ये घटना घटी, क्या कहा जा रहा है, कौन लोग इसके पीछे थे? जी बिल्कुल सही, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम उसी गाड़ी के सामने खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यही वो गाड़ी है जिस पे राहुल गांधी सवार थे और इसी गाड़ी में सवार होकर राहुल गांधी यहां से धानेरा से अपनी पब्लिक मीटिंग को खत्म करके हेलीपैड की ओर जा रहे थे और आगे की सीट पर राहुल गांधी यहां पे बैठे हुए थे, ये आगे की सीट है, यहां पे राहुल गांधी बैठे हुए थे और साथ में यहां जो पीछे वाली सीट है यहां पे गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी बैठे हुए थे, हमारे साथ ये गेस्ट भी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। सर आप उस वक्त राहुल
गांधी के साथ थे, क्या हुआ था, किस तरीके से पत्थर आया था। मनोज त्यागी जी है AICC के, ये यहाँ के मीडिया कोऑर्डिनेटर है, बताइए सर क्या हुआ था। देखिए, जब मंडी के अंदर राहुल जी गए थे इस प्रोग्राम से पहले, तो मंडी के अंदर राहुल जी के वहाँ पे लोग काला झंडा लेकर के सड़क पे खड़े होकर नारे लगा थे, गेट पर एंट्री पे ही। मैंने वहाँ पे पुलिस वालों से बोला कि राहुल जी SPG के प्रोटेक्शन वाले लोग हैं, आप इनको यहाँ तक क्यों खड़े होते, इनका हटाते क्यों नहीं, अरेस्ट करो। तो बोले आप हमको बताएंगे कि हमें क्या करना है। तो इससे तो ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश के मैं आकर के यहाँ तक जो देख रहा हूँ, तो ये लग रहा है कि गुजरात सरकार इसमें शामिल है, केंद्र सरकार इसमें शामिल है। जो पुलिस प्रोटेक्शन जो SPG का इसको मिला हुआ, पुलिस जो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही तो क्या करेंगे। तो जैसे ही वहाँ पे नारेबाजी मुर्देबाजी, लेकिन पुलिस ये कह रही है, आप पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि जैसे ही हेलीपैड पे वो उतरे उनको एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी राज्य सरकार की ओर से, लेकिन राहुल गांधी ने वो गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। वही मैं बता रहा हूँ, अगर आपके याद हो आप सामने खड़े हुए थे, तो जब वहाँ से जैसे निकले जो हम लोगों की दुकानें बंद वहाँ करा दी गई थी, राहुल गांधी जी वहां पे भी लोगों से नहीं मिल पाए, दो मिनट मिले ना बात कर पाए, और उसी तरह से फिर वो लोग चल दिए वापस। जैसे ही हम वहां पर सभा स्थल पर आए थे, तो जैसे ही राहुल जी खड़े हुए आकर के, आपने देखा किसी को बोलने का थम होगा, वहां कोई बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि इतने में राहुल जी बोलने खड़े हुए, तो आपके याद हो तो कुछ चार गोपी दोबारा आएंगे आपके पास और बात करेंगे आपसे। बिल्कुल सही। देखिए, काला झंडा लेके लोग खड़े थे, इस तरीके का इनका कहना है, सही ठीक है। उदय जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? गुजरात में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बनासकांठा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे, बाढ़ का जायजा लेने गए थे, लेकिन वहां उनकी कार पर बड़ा सा पत्थर फेंका गया। हालांकि राहुल को यह पत्थर नहीं लगा, लेकिन पीछे वाली सीट पर यह पत्थर गिरा और शीशा भी टूटा। सवाल हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि ये किसी भी राजनेता के साथ हो सकता है, क्या ये स्थिति राजनीति के लिहाज से ठीक है, क्या ये स्थिति भारत के लिए ठीक। उदय माहौरकर जी भी हमारे साथ हैं। उदय जी, क्या ये लोगों का वाकई गुस्सा था कि कांग्रेस के विधायक नहीं हैं इस आपदा में भी लोगों के साथ, या फिर ये किसी अन्य दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे जिन्होंने हरकत की, या इसके पीछे कुछ और? देखिए, इसमें एक पॉलिटिकल बात जरूर है जी, ये पूरी बात में एक पॉलिटिकल एंगल जरूर है, ये एक सिंपल अटैक नहीं है। हाँ, तय करना बाकी है कि भाजपा के वर्कर थे या सपोर्टर थे, सपोर्टर हों ऐसी शक्यता ज़्यादा है, लेकिन ये पूरी बात पॉलिटिकल है। और अगर विधायक वहाँ पे नहीं है और गुस्से से वहाँ के लोग कांग्रेस के नेता पे अटैक करें, ये शक्यता बहुत कम मैं मानूंगा, क्योंकि उनको भी मालूम है क्या परिस्थिति है, क्यों उनको बेंगलोर जाना पड़ा, ये परिस्थिति वो भी जानते हैं वहाँ के जो सपोर्टर्स हैं। और ये एरिया में कांग्रेस का एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा था 2012 के इलेक्शन में। संबित जी, संबित जी, आपने सुना उदय जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीति जरूर है। हम आए आपके पास इससे पहले, क्योंकि अखिलेश जी आपकी कुछ बातों का जवाब देना चाह रहे थे, उनके पास जाएंगे और एक बार फिर से गोपी घांगर के पास लिए चलेंगे हमारी संवाददाता के पास, कि आखिर कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता की उन्होंने बात सुनवाई थी, अन्य लोग क्या कहते हैं, वो भी गोपी के साथ। और पथरीली डगर गुजरात की इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि गुजरात में चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, और बाढ़ से गुजरात इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। तमाम नेता दौरा कर रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी पहुंचे, काले झंडे दिखाए गए, उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंका गया, लेकिन जब काले झंडे दिखाए गए तब राहुल ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने और पूरे देश को यह सिखाया था कि काले झंडों से और नरेंद्र मोदी जी के नारों से और पत्थरों से हम पीछे हटने वाले नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मैं यहां आपका जो दुख है, आपका जो दर्द है, उसको समझने के लिए, उसको सुनने के लिए आया हूं। और मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि आपके सामने क्या मुश्किलें हैं, और अगर हम आपकी थोड़ी सी मदद कर पाए तो मैं करना चाहता हूं। हमारे पास गुजरात में सरकार नहीं है, हिंदुस्तान में सरकार नहीं है, बिल्कुल दूसरी विचारधारा की सरकार है,
मगर हमारे पार्लियामेंट में लोग हैं, लोकसभा में हैं, राज्यसभा में हैं, और हम आपका जो मुद्दा है वहां पे उठाएंगे। जो भी हमारा दम है हम आपकी मदद करने में लगाएंगे। दो तीन चीजें और कहना चाहता हूं। कल मैं आसाम गया, आज राजस्थान और गुजरात। हमारे देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है। दो, शायद हर हिंदुस्तानी को दो समस्याओं से चोट लगती है। हमारे जो किसान भाई हैं, जिनके यहाँ खेत, जिनके खेतों में पानी आया है, पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाएंगे आपको एक प्रदेश नहीं मिलेगा, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम, एक प्रदेश नहीं मिलेगा जहां पे। तो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार, गुजरात सरकार दोनों पर निशाना यहां पर साधा है। आपने बात सुनी। अखिलेश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो हमला हुआ है, ये काले झंडे दिखाए गए हैं, वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, लोगों का गुस्सा नहीं था? सईद जी, मैं लगभग 2-3 सालों से पहली बार आज आपके चैनल पे जितने भी एक्सपर्ट बैठते हैं, जो हमारे उदय जी बैठे हैं जी, जो एक्सपर्ट चैनल एक्सपर्ट के रूप में लोग बैठते हैं, पहली बार मैंने आज पहली बार पाया कि किसी व्यक्ति ने निष्पक्ष भूमिका निभाई हो और एक निष्पक्ष के पत्रकार के नाते बुलाए जाने का फर्ज अदा किया है, वो उदय जी ने किया है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में भी कह दिया कि वो विधायक क्यों गए हैं, वहाँ के लोगों को पता है। वो राजनीतिक है, ये लोगों को पता है। हम उन्हें इस साहस की पहले तो सराहना करते हैं। दूसरी बात, संबित पात्रा ने कहा कि उन्हें गुंडा मत कहिए। कितना पीड़ा है, कितना लगाव है जिन्होंने उनसे पत्थर मारा। वो पत्थर 2-3 इंच आगे होता, हो सकता था वो जो शीशा टूटा है, आँख में लगता, सर में लगता, गर्दन में लगता, कुछ भी हो सकता था। जितना बड़ा पत्थर था, वो तेज़ी से चलने पे गाड़ी पे किस तरह का असर करता है। उस सीट पे उनका PSO SPG का बैठा था, उसे चोट भी आई है। तो उसको ये बता रहे हैं कि उस पत्थर मारने वाले को गुंडा मत कहिए। तीसरी बात, 2-3 ट्वीट किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इतना शर्मनाक ट्वीट किया है और इतना घटिया और इतना गिरे हुए सोच का ट्वीट किया है, जितनी निंदा की जाए गुजरात के उस मुख्यमंत्री की उतनी कम है। कह रहे हैं कि टूरिस्ट हैं, टूर पे आए हैं। संबित जी बोल सकते हैं आप, अगर आप जवाब देना चाहें बीच में। नहीं 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 नहीं, मैं देखिए, संबित भाजपा के प्रवक्ता, वो एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री ये एक लफ्ज ये नहीं कह रहा है कि किस तरह से सुरक्षा में चूक हुई है, मजाक उड़ा रहा है और ये कह रहे हैं कि टूरिस्ट बता रहे क्या क्या बातें कर रहे हैं। चौथी बात, जब SPG प्रोटेक्टिव सड़क पर चलता था, जहां मौत होती वहां पुलिस होता है, झंडा दिखाने वाले लोग पुलिस कस्टडी में था। अभी आपने गोपी धानधर जी के साथ जो हमारे कांग्रेस का वर्कर है उसने बताया, ये भी उस पुलिस के प्रोटेक्शन में पत्थर चलाया होगा, मेरा यकीन है, क्योंकि जहां भीड़ होती है वहां पे पुलिस को खड़ा होना है। पुलिस ने देखा होगा कौन पत्थर चला। अखिलेश जी, क्योंकि जवाब ले लें, पकड़ा नहीं गया क्योंकि उनकी, संबित जी समय फिर कम हो जाता है, बात पूरी नहीं हो पाती, बताइए, जवाब दीजिए। देखिए पहली बात है, अभी हमने भी जब ब्रेक हुआ था तो हमने भी देखा, गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और एक जानकारी दी है कि जब राहुल जी गुजरात में उतरे तो उन्हें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की पेशकश की गई थी, उनके लिए अलग सा एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी रखा गया था, मगर राहुल जी ने बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार भी कर दिया। उन्होंने खुद ही अपने उस सिक्योरिटी को रिफ्यूज किया था जो सिक्योरिटी उनके लिए तैयार थी। आपने अभी चैनल में दिखाया कि पुलिसकर्मी किस प्रकार से जो झंडे दिखा रहे थे उनको दूर भगा रहे थे, आपके चैनल में देखा मैंने, और राहुल जी बार बार अपील कर रहे थे नहीं उनको आने दो, ये सब घबराए हुए लोग हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी। राहुल जी आज राजस्थान भी गए, आसाम भी गए, खुद राहुल जी बता रहे थे। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार से पत्थर इत्यादि पे विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ एक बड़ा राजनीतिक परिपेक्ष में देखिए, राहुल जी का कहना कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आपके लोग जाके छुपे हुए हैं कर्नाटक में, हम क्यों डरेंगे, हम तो वहां काम कर रहे हैं। आप गुजरात के, अरे अरे आप चिल्लाइए मत, बैठे चुपचाप।
पूरे गुजरात के लोगों को गुंडा कहना, गुजरात के लोगों को दंगाई कहना ये उचित नहीं है। ठीक है, जिसने पत्थर फेंका है उस पर पुलिस जरूर कार्यवाही करेगी, पुलिस जरूर ढूंढेगी, पुलिस अपना काम जरूर करेगी। गुजरात एक शांतिप्रिय प्रदेश है, उसको इस प्रकार से गुंडों का प्रदेश और गुंडा कहना मुझे लगता है ये उचित सिलेक्शन ऑफ वर्ड नहीं होगा। आप यहां राहुल गांधी जी के शब्दों को देखिए, राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि मैं यहां दुख दर्द बांटने आया हूं। आप मुझे बताएं सईद साहब, ये ऑपोजिशन के सबसे बड़े लीडर हैं, इनके फेलियर को देखिए कि इनके विधायक आज इतने दिनों से यहां नहीं है गुजरात में, क्या हम राहुल गांधी से ये सवाल तक नहीं पूछे? हम तो राजनीतिक दल के नाते तो छोड़िए, हम पूछते हैं तो ये राजनीति करते हैं। अगर जनता ने काले झंडे दिखाकर ये सवाल पूछ लिया कि राहुल गांधी जी आप ये फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए क्यों आ रहे हैं, तो यहां कांग्रेस के प्रवक्ता इस बेशर्मी से हंसते हैं। ये फ्लड की सिचुएशन में हंसने का मामला है, इसमें इतनी हंसी क्या आ रही है आपको अखिलेश जी? थोड़ा शर्म भी तो करिए आप लोग। हंसी के पात्र तो खुद हो ना, इसलिए हंसी आ रही है, हंसी के पात्र बन रहे हो। हमला हुआ है? नहीं नहीं अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में 7 सीट आई है, आप लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब आप नाम के ऊपर, आप लोग नाम के ऊपर मजाक उड़ा सकते हैं, मेरा टाइटल क्या है, मेरा पात्रा क्या है, वो सब आप मजाक उड़ा सकते हैं। आपकी आपके चरित्र पर मैं उंगली उठाना शुरू कर दूं ना भैया, अभी बैठने लायक नहीं होंगे आप उत्तर प्रदेश में। क्या करते हो, मैं करते हो वहाँ उत्तर प्रदेश में, यहाँ चिल्लाते हो आके, पैसा लेने का टिकट देते थे अखिलेश जी, प्रताप सिंह अखिलेश जी, संबित जी, ये सब पता है हमें अखिलेश जी, संबित जी, हाँ चलो पता कर, अखिलेश जी, संबित जी, आप दोनों से निवेदन है, हाथ जोड़कर आप दोनों से निवेदन है कि प्लीज मर्यादा का ख्याल रखें, मर्यादा दोनों प्लीज। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, इनकी बातों को देखिए जरा, ये हंस रहे हैं कि राहुल गांधी बाढ़ में क्या कर रहे हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप देखिए, दुखियाई व्यक्ति का, ये आप इनके शब्दों का चयन देखिए, इनके भाव भंगिमा देखिए, इनकी मुस्कुराहट और हंसी देखिए, आपको लगता है ये लोग नेशनल पॉलिटिक्स में रहने लायक हैं? यार करके बात करते हैं, ये एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, यार करके क्या बात करते हैं? मैं आपका यार हूँ, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, अपने स्तर पे आ गया। तुम आप राहुल गांधी को यार करके बात करिएगा, तुम सही, मैं एक भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, ये यार कह के बात करना बंद कर दीजिए, तमीज सीख जाइए जाके, पहले लर्न बिहेवियर, क्या यार व्हाट इज क्या यार, अरे तुम ये क्या यार क्या होता है, तुम ये तू क्या होता है, तुम आप लोगों को बिहेवियर नहीं सिखाते, सुन भाई क्या होता है, डोंट नो हाउ टू बिहेव, यू कॉल योरसेल्फ ऑपोजिशन पार्टी, अरे छोटी सी बिहेवियर नहीं आती आप लोगों को, आप लोग क्या सत्ता संभालेंगे, पीड़ा बता रही है, चेहरे से पीड़ा दिख रही है, आदरणीय अखिलेश जी अगले बार से बिहेवियर सीख जाइएगा, फिर डिबेट में बैठने के लायक कहलाइएगा, धिक्कार है आप जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं पर जिनको शब्दों का चयन तक नहीं आता है, तू तड़ाक करके बात करते हैं, दूसरे दल के नेताओं को यार कह के संबोधित करते हैं, यहाँ एक महिला पत्रकार भी खड़ी है, मैं आपका यार हूँ यहाँ पे सईद, बात करना सीखिए, शब्दों का चयन करना सीखिए, फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता का, अरे जिह्वा पे जिसका लगाम नहीं, प्रवक्ता कैसा है, हंसी के पात्र क्यों बन रहे हो, क्यों हंसी के पात्र बन रहे हो, कोई सुन नहीं रहा, मैंने आपके नाम पे कभी मजाक नहीं किया है, मैं जिस राज्य से आता हूँ, अखिलेश जी क्या हम मुद्दे पर बात कर लें, सईद जी क्या हम मुद्दे पर बात कर लें, मुद्दों पे बात करो आप, मेरे नाम पे सईद जी बंद करिए, मैं अगर हंस रहा हूँ आप मेरे नाम पे बंद करिए जी, अच्छा एक सेकंड, संबित जी, अखिलेश जी, उदय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप दोनों, सईद जी हाँ उदय जी कहिए, सईद जी मैं कुछ कह, एक सेकंड संबित जी अखिलेश जी, उदय जी कहिए, मुझे लगता है इस चर्चा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए कि ये जो इंसिडेंट है इसका पॉलिटिकल असर क्या होगा, इस पे भी हमें चर्चा करनी चाहिए। जी जी बताइए, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस का प्रयास है इसमें कि उनको पॉलिटिकल लाभ होगा, पर परिस्थिति देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें कोई ज्यादा लाभ कांग्रेस को मिलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। जी संबित जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को अगर इसका, मैं बोलूं, हाँ चलिए उदय जी की बात सुन लेते हैं, बात पूरी कीजिए प्लीज, एक सेकंड अखिलेश जी एक सेकंड, उदय जी कंप्लीट कर लें, नहीं एक तो देखिए राहुल गांधी, एक तो राहुल गांधी खुद इंजर्ड नहीं हुए इसमें, ही हैज एस्केप्ड द असॉल्ट, है ना, तो एक उसके जो साइकोलॉजिकल असर तो जब खड़ी होती है जब नेता खुद इंजर्ड होता है, भाग्य है उनका, अखिलेश जी बोल लेने दीजिए, तो करके वही मारेंगे अखिलेश जी, जो भी हो, लेकिन जो साइकोलॉजिकल असर, साइकोलॉजिकल असर जब भी होती है जब फिजिकल इंजरी हो, और दूसरी साइड देखे अपन तो
अभी लास्ट जो 6 महीने में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं गुजरात में, उसमें जो बीजेपी का पलड़ा है बहुत भारी हो चुका है पहले के मुकाबले। एक साल पहले जो परिस्थिति थी, बीजेपी एक बैकफुट पे लगती थी, अब बैकफुट पे नहीं है। और श्री शंकर सिंह वाघेला के का बीजेपी छोड़ना, कांग्रेस छोड़ना, वो उसने एक नई परिस्थिति खड़ी की है जिसमें मुझे लगता है कि अब बीजेपी फ्रंट फुट पे है गुजरात में। अलाबोल के दरमियान एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ गई है और ये खबर है 11 अगस्त से अयोध्या केस की रोज सुनवाई होगी। 3 सदस्यीय टीम इस केस में, यानी कि अयोध्या केस में 11 अगस्त से लगातार सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यों की बेंच बनाई गई है जो सुनवाई करेगी। राम जन्मभूमि विवाद पर यह सुनवाई होगी और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मामले में, यानी कि अयोध्या मामले में, अब काफ़ी तेज़ी से आगे बात बढ़ेगी। और आइए एक बार फिर से अपने आज के शो पर लौटते हैं। संबित जी, अखिलेश जी, हम आपके पास आए, उससे पहले उदय जी, हम आपसे थोड़ा सा और समझना चाहेंगे, कांग्रेस को इस घटना का फायदा हो सकता है? बीजेपी शंकर सिंह वाघेला के कांग्रेस छोड़ने के बाद और मजबूत हुई है, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये जो घटना हुई पत्थर मारने की, ये क्या किसी अन्य दल के नेता के साथ भी हो सकती है? क्या इसे रोका नहीं जा सकता था और सभी राजनीतिक दलों को एक सुर में आगे आकर इस तरह की घटनाओं के खिलाफ खड़े उदय जी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। घटना बहुत ही निंदनीय है और कोई भी नेता हो, कोई भी दल हो, ये घटना घटती है तो बहुत ही निंदनीय घटना है। और मेरे ख्याल से कोई कंसेंसस आना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका, कि ऐसे इंसिडेंट हो उसमें कंडेम हो, प्रयास हो कि इंसिडेंट न हो। मैं मानता हूँ इसके अंदर आज जो इंसिडेंट हुआ इसके अंदर कोई बीजेपी का नेता इन्वॉल्व हो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये एक बहुत ही ग्राउंड लेवल का इंसिडेंट है कि जहाँ मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ऐसा कोई ठीक है। और दूसरी बात सोचने लायक ये है इसके अंदर कि अगर राजीव गांधी पर हमला होता है तो उसका लाभ तो कांग्रेस को मिल सकता है जी। तो बीजेपी का कोई नेता इसमें इन्वॉल्व ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन ऐसे जब इंसिडेंट होते हैं तो उसकी निंदा सभी दलों ने करनी चाहिए, ऐसा एक मत जरूर बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगले जी आपके पास आते हैं, संबित जी आपके पास भी आएंगे, क्या बीजेपी और आप इसकी निंदा करते हैं? लेकिन गोपी, जल्दी से गोपी, क्या आप बता सकती हैं कि कोई और जानकारी अब तक मिली है? क्योंकि संबित जी ने एक उप मुख्यमंत्री के ट्वीट के हवाले से कहा था कि बुलेट प्रूफ कार लेने से राहुल गांधी ने मना कर दिया था, कोई जानकारी आपको मिल पाई है? कोई इस बारे में चर्चा आपके हो पाई है गोपी? बिल्कुल सईद, मैं आपको उसी बारे में जानकारी देती हूँ कि पुलिस ने भी यहाँ पे यही बयान दिया है। पुलिस ने भी ये कहा है कि राहुल गांधी ने बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि हमारे साथ कांग्रेस के जो नेता है वो कहना चाहते हैं कि क्यों कार का इस्तेमाल नहीं किया बुलेट प्रूफ कार का। जैसे ही राहुल गांधी जी बोलने के लिए खड़े हुए थे तुरंत जो है वहाँ पे काला झंडा लेने वाले लड़के एकदम आए, उन्होंने राहुल जी ने अपनी स्पीच शुरुआती करी थी तुरंत रोक गोपी, गोपी, ने कहा यहां गोपी क्योंकि समय कम है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। अखिलेश जी, लगा हुआ था कार के क्यों एकदम ये गाड़ी, क्या राहुल गांधी को बुलेट प्रूफ कार नहीं लेनी चाहिए थी? अब आप कह रहे हैं कि सुरक्षा में खामी थी, कमी थी। सईद जी, बहुत गंभीर विषय है, देश के इतने बड़े नेता के ऊपर हमला हुआ है और यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। नहीं देखिए, आप फिर से उसे अलग अलग दिशा में ले जा रहे हैं। बात सुन लीजिए, अगले पूरी बात सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री गुजरात ने 4 ट्वीट किया है, चारों उपहास, मजाक और निंद और जितना भी निकृष्ट हो सकता किया है, अपने पद के दायित्व के अनुरूप उनके चारों ट्वीट में। क्या राहुल गांधी को अगर बुलेट प्रूफ कार दी जा रही है तो लेनी चाहिए थी या नहीं? बुलेट प्रूफ, चलिए बुलेट प्रूफ कार में भी होते हैं, पत्थर चलता तो किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, बिल्कुल ये सही बात है, आपका सही सवाल है। संबित जी, क्या बीजेपी और आप और इस पत्थर मारे जाने का उस की निंदा करते हैं? इस तरह के बयान देने चाहिए कि जिसे पूरे देश को मिलकर संबित जी जल्दी से जी जी लोगों को भी सामने आना चाहिए। संबित जी समय कम है, संबित जी जल्दी देखिए गंभीर विषय को। बस अखिलेश जी, अखिलेश जी बोल रहे हैं, मैं कैसे बोलूंगा? अखिलेश जी बस बोल दीजिए, संबित जी जल्दी से बोल दीजिए। मैं बोल सकता हूं? बोलिए प्लीज। देखिए
चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो, पॉलिटिकल ही क्यों, नॉन पॉलिटिकल भी व्यक्ति हो, कोई हिंसा को सपोर्ट कर सकता है क्या? कदाचित नहीं। मगर इसमें लाभ और हानि देखना कि इस परिस्थिति इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, फिर भी यही दुख है। संबित जी, अखिलेश जी, उदय जी और गोपी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। सवाल आज हमारा यही था कि किसी भी राजनेता की कार पर पत्थर फेंकना, उस पर हमला करना, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, एक सुर में सबको इसकी निंदा करनी चाहिए। देखते रहिए आज तक।